अलाउंस ना मिलने पर टेवटा मुलाजमीन सरापा एहतजाज। टेवटा मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा और धरना जारी। मुजाहरीन ने प्रेस क्लब के बाहर सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस शिमला पहाड़ी और डेविस रोड पर ट्रैफिक का निजाम मुतासर। बख्शी खानों में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ। पुलिस मुलाजमीन खुलेआम कैदियों से पैसे बटोरने लगे। कैदियों को मोबाइल फोन देने और फोन पर बात करवाने के रेट फिक्स। पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने के फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। तर्जुमान जेल खाना जात ने कहा कि बख्शी खानों में फोन के इस्तेमाल और सिगरेट मनशियात से मुतालिक आईजी पंजाब को आगाह कर दिया। सीसीपीओ का बख्शी खानों में मुलजिमान के फोन इस्तेमाल करने का नोटिस। एसपी हेडक्वार्टर से रिपोर्ट तलब। न्यू अस्पताल में अद्वियात और सर्जिकल सामान की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन। महकमा एंटी करप्शन ने सरकारी खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अजीज कुरैशी, डिप्टी डायरेक्टर ड्रग शेख अल्ताफ, फार्मासिस्ट अतीक मुनवर और खालिद महमूद समेत 12 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक न्यू अस्पताल इंतजामिया ने 10 करोड़ की खतीर रकम से महज 21 आइटम्स खरीदी। मार्केट से 100% महंगी खरीदारी की गई। टीपा को अमली तौर पर फाल करने पर दोबारा पंजाब हुकूमत के एतराजात। टीपा के गुजश्ता माली साल के बजट पर महकमे खजाना ने तहकीकात शुरू कर दी। टीपा ने बजट में खाली और तैनात सीटों से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सरकारी इदारों पर मनफी असरात। पासा का POL के तखमीने में 100% से ज्यादा इजाफा। POL की मद में वासा पर सालाना 37 करोड़ के इजाफी बोझ पड़ गया। वासा की मुख्तलिफ मशीनरी और जनरेटर्स 1 साल में 70 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। मौजूदा हुकूमत में भी साबिका हुकूमत की रविश कायम। लाहौर को तरक्याती कामों के लिए हल्कों में तकसीम कर दिया गया। शहर के 30 सूबाई हलकों में से मुतादिद हलके नजरअंदाज। वज़ीर आला की रिहायशगाह के गिर्दोनवाह की बस्तियों के लिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर। तरक्याती कामों के लिए शुमाली लाहौर भी माइनस। माली साल 2022-23 में तरक्याती मनसूबे शुरू करने का प्लान। पंजाब हुकूमत शहर के जर जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा पैकेज न दे सकी। पंजाब हुकूमत ने LDA को नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासिस बनाने का टास्क दे दिया। शाहजमाल, हरबंसपुरा और शिमला पहाड़ी के इलाकों में तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। हाउसिंग सोसाइटीज में गैर कानूनी इंटरनल ट्रांसफर का मामला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एक्शन। कानूनी तकाजे पूरे ना करने वाली निजी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। खरीदार को मुकम्मल मालिकाना हकूक ना देने पर सोसाइटीज को जुर्माने किए जाएंगे। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भिजवा दिया गया। इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अहदे से हटाने के इस्तदा। हमें इदारों को मजबूत करना है, अपनी फौज को दूसरों की साजिश से बचाना है। दुनिया के बहुत से ममालिक के पास पैसा भी है और वसाइल भी, लेकिन पाकिस्तान जैसी ताकतवर फौज बहुत कम ममालिक के पास है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का तकरीब से खिताब। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 23वां कॉन्वोकेशन। 2572 तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। इमरान खान का एक ही मकसद है, मैं या कयामत। ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। रहनुमा नून लीग असमा बुखारी की मीडिया टॉक कहती है इमरान खान का मार्शल लॉ लगवाने का शौक नाकाबले बर्दाश्त है। उन्हें क्या पता अवाम ने जमहूरियत के लिए कितनी कुर्बानियां दी। लाहौर फजाई आलूदगी के निर्गे में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। शहर का मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 196। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370,
कोट, लखपत, गुलबर्ग और डिफेंस में आलूदगी के डेरे। बढ़ती आलूदगी से शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारी में मुबतला होने लगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया ने एक्शन। शालीमार के इलाके में 3 यूनिट सील, 1 यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 यूनिट्स मालिकान को 1,50,000 का जुर्माना। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने कहा, माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डॉलर की कदर में तेजी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 78 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 221.43 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा, 227.50 रुपये में ट्रेड। आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफा। सराफा मार्केट में सोना 2,350 रुपये तोला महंगा। 24 के रात सोना 1,51,640 रुपये फी तोला। चांदी के दाम 1,610 रुपये पर बरकरार। सुजुकी कंपनी भी होंडा के नक्शे कदम पर चल पड़ी। सुजुकी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 15 से 20 हज़ार रुपये तक का इजाफा। सुजुकी GD110cc 15,000 रुपये महंगी, कीमत 2,44,000 रुपये। सुजुकी 150cc GR 20,000 रुपये महंगी, कीमत 3,85,000 रुपये। कीमतों के इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। तस्दीकी मैसेज दिखाएंगे तो ही सामान मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गए। सस्ते आटे, घी, चीनी और दालों की खरीदारी तस्दीकी मैसेज से मशरूत। शनाख्ती कार्ड और सिम एक ही शख्स के नाम होना लाजिम। सार्फीन तस्दीकी मैसेज के इंतजार में ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ तकलीफ बन गई, सार्फीन की दुहाई। मौसम सरमा की आमद से कबल गैस में आप गैस की बंदिश और प्रेशर कम होने से शहरी परेशान। अल्ताफ कॉलोनी में भी गैस की गैर ऐलानिया बंदिश, वकील महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। माली बेजाब्तगी पर सरकारी महकमों को जवाब देना होगा। माली परफॉर्मेंस पर सरकारी महकमों की भरपूर मॉनिटरिंग होगी। हर 3 माह के बाद मालियाती अमूर का जायजा लिया जाएगा। CM पंजाब परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट से मुतल्लिका अमूर जल्द तय करने की हिदायत की। कहा, महकमों के मालियाती अमूर बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी असलाहत की जाएंगी। अखराजात और वसूलियों में तवाज़ुन से मुआशी अमूर में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर चिड़ियाघर और सफारी जू की तंजीमें नौ का फैसला। बच्चों को मयारी तफरीह फराहम करने के लिए सफारी जू में थीम पार्क बनाने की मंजूरी। बच्चों की दिलचस्पी के लिए चिड़ियाघर में बर्ड शोज मुनक्किद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सफारी जू को इंटरनेशनल लेवल की तफरीगाह बनाया जाएगा। जू एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी के कायम के लिए कानून साजी की जाएगी। महकमे बल्दियात का 4,000 नई भर्तियों का फैसला। ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। खवातीन के लिए 15% कोटा मुख्तस। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक मजदूर अफराद के लिए 3% और अकलियतों के लिए 5% कोटा रखा गया। 4 जामियात के वाइस चांसलर्स की तायुनाती। 200 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आ गए। दरखास्तों की स्क्रूटनी के लिए कमेटी इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। साबिक विफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। टिब की दुनिया में इनकलाबी इकदाम। पंजाब के 2 बड़े अस्पतालों में कैंसर का इलाज अब रोबोट करेंगे। जिना अस्पताल लाहौर और निस्तर अस्पताल मुल्तान में 1.25 अरब रुपये की लागत से मशीनरी लगाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही ने साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की मंजूरी दे दी। PHA की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बड़ा मनसूबा तैयार। पार्क्स की हालत बेहतर बनाने और घोस्ट मुलाजमीन के खात्मे के लिए हाजिरी की मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग को इस्तेमाल किया जाएगा। निजी कंपनी को ठेका देने के लिए वर्किंग पेपर की तैयारी शुरू कर दी गई।